क्या हुआ वीर को? जरा सा बुखार आ गया। पापा। हाँ बेटा, पापा आ गए। आप मेरे पापा नहीं हो। आपने छोटे को कहीं भेजा है क्या? वो अपने रूम में तो नहीं है? नहीं बेटा, मैंने तो कहीं नहीं भेजा, वो तो अपने कमरे में था। ये वो मंगलसूत्र तो नहीं जो मैंने तुम्हें पहनाया था? इसका मतलब अभी तक उस रणवीर के नाम का मंगलसूत्र पहन रही हो तुम। छोटे 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 संभाल। आज से तुम सिर्फ मेरे नाम का मंगलसूत्र पहनोगी। क्यों आई सुमन इसके जिंदगी में? ना वो इसकी लाइफ में आती, ना इसकी ये हालत होती। उम्मीद है कि अब पति का नाम दोबारा भूलोगी नहीं तुम। और ये भी उम्मीद करता हूं कि ये होमवर्क तुम्हें दोबारा ना कराना पड़े। भूलोगी तो नहीं ना? मैं शक्ति को कुछ सामान की लिस्ट देने जा रहा हूं, भूलना मत। ओके? लाडो, तू कैसी है? और वहाँ सब ठीक तो है ना? नहीं भाभी, कुछ भी ठीक नहीं है। मैंने आपको फोन किया भाभी, रणवीर जी ने शराब पी ली थी। क्या? रणवीर जी नशे की हालत में छत पे थे और वहाँ से गिरते गिरते बच गए। ये तो क्या कह रही है? और अब वो कहाँ है, कैसे है वो? भाभी आप चिंता मत कीजिए, अभी वो ठीक है, अपने कमरे में आराम कर रहे हैं और परिवार के बाकी लोग भी उनके साथ हैं। भाभी मुझे लगता है रणवीर जी आपको बुला नहीं पा रहे हैं। पर लाडू तूने समझाना, समझा कि यही सच है और इसे ही स्वीकार करना होगा। मुश्किल है भाभी, घर पे कुछ भी ठीक नहीं है। छोटी माँ मुझसे और संजू जीजी से बहुत नाराज है। आपके जाने के बाद वो तो हमें घर से निकालना चाहती थी। उन्होंने एक ही शर्त पे हमें यहाँ रुकने दिया कि हम अपने मायके से कोई संबंध ना रखें। और हम तुम जाकर भी आप लोगों से मिलने नहीं आ पाएंगे। और रही बात रणवीर जी की, अगर मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की और ये बात छोटी माँ को पता चल गई तो और भी नाराज हो जाएंगी। ये सब क्या हो गया? जिंदगी हमें कहाँ से कहाँ ले आई है। ना नहीं भाभी, सब कुछ कितना बदल गया ना। भाभी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। और यहाँ की बिल्कुल चिंता मत करना। तू अपना भी ख्याल रखना। सुमन, क्या बात है? कुछ नहीं माँ साहब, बस ऐसे ही मैं वीर को देख कर आती हूँ। अरे तुम्हारे कमरे में सोया है, दवाई पिला दी उसे। और बच्चों को तो इस उम्र में ऐसी बुखार होते रहते, तो फिक्र ना कर। आज ना हमारे को संजू और लाडो की ना बहुत याद आ रही है। जब से यहाँ आए फोन पे भी बात ना हुई। सुमन तू जरा फोन लगा संजू को, मैं बात करना चाह रही हूँ उससे। वो माँ साहब, उन दोनों को कहा गया है कि वो अपने मायके से किसी से रिश्ता ना रखे और इसी शर्त पर उन्हें इस घर में रहने की इजाजत मिली है। कि? ठीक कैसा फरमान सुना दिया कि माँ अपनी बेटियों से रिश्ता ना रख सके। ये ये सब थारे और रणबीर की वजह से हुआ है। उसको बहुत जिद चढ़ी थी ना थारे से शादी करने की, और थारे को भी उसमें बड़ी सच्चाई नजर आ रही थी। देख लिया नतीजा, पता नहीं मैं कब अपनी छोरियों से बात कर पाऊंगी। रो क्यों रही है? मैं नहीं रो रही बेटा, मुझे समझ में नहीं आ रही है आंसू क्यों बह जा रहे हैं। बस यही सोच के दिल घबरा रहा है कि आज अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। मैं जिंदा नहीं रह पाती रणवीर, मैं जिंदा नहीं रह पाती। तू ऐसे कैसे कर सकता है, कैसे कर सकता है बेटा? क्या वो एक लड़की तुम्हारी दुनिया है? हम लोग कुछ नहीं है। तेरे मॉम डैड तेरा परिवार कोई मायने नहीं रखता तेरे लिए। मैं आपको कैसे बताऊं माँ कि सुमन मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं बल्कि मेरी जिंदगी है। तुझे पता है एक माँ के दिल पर क्या बीतती है जब वो अपने जवान बेटे को इस हाल में देखती है, पता है तुझे? मुझे मुझे लगा था कि मेरा बेटा बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर तूने तो मुझे गलत साबित कर दिया रणवीर, गलत साबित कर दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा ड्रिंक करेगा, इस हालत में आ जाएगा, अपना ये हाल कर देगा। किसके लिए रणवीर, किसके लिए? उस लड़की के लिए जिसने तुझे इस परिवार को धोखा दिया है। हम सुमन ने मुझे कोई धोखा नहीं दिया, कोई भी धोखा नहीं दिया। ठीक है, हम मान लेते हैं कि उसने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, पर जितना तू उससे प्यार करता है रणवीर, जितना तू उसके लिए तड़पता है, क्या वो तेरे लिए इतना तड़पती है? यहाँ से जाने के बाद क्या एक बार भी उसने तुझे कॉल करके पूछा कि तू कैसा है, इस हाल में हो? नहीं ना, बोल। नहीं ना बेटा, होश में आ जा रणवीर, जिंदगी इस तरह नहीं कटती। इसे अपनी लाइफ शुरू कर बेटा, देखना जिंदगी की सारी खुशियां मेरे बेटे के कदमों में होगी। सच। लेकिन बात सुमन तो नहीं होगी ना माँ, और अगर सुमन मेरी दुनिया में नहीं तो मेरे लिए किसी भी खुशी का कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं खुद को इस तरह टूटने भी नहीं दे सकता, क्योंकि सुमन मुझे इस हाल में कभी नहीं देखना चाहेगी, कभी नहीं। ठीक है, मैं अपने बेटे को इतना समझा रही हूँ, लेकिन मेरा बेटा मेरी कोई बात समझने को तैयार नहीं। ठीक है रणवीर, तू अपनी लाइफ अपने तरीके से जी, लेकिन एक बात याद रखना, तुझे इस हाल में देखकर तेरी माँ ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगी बेटा। नहीं माँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आई प्रॉमिस मैं आज के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा। I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. पापा। पापा। वेल, आप इसी के पापा हैं ना? फिर ये पापा को क्यों याद कर रहा है? वो एक्चुअली एक हमारे रिलेटिव है, उनसे बहुत अटैच्ड है, उन्हें भी पापा पापा ही कहते हैं। वेल, बच्चे की हालत देखते हुए मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप उन्हें बुला लें जिससे ये मिलना चाहता है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपके टाइम के लिए और आपके सजेशन के लिए। शक्ति, ये दवाइयाँ ले आना और डॉक्टर साहब को बाहर तक ले जाओ। डॉक्टर साहब आइए आइए। रवि जी, वो सोचना भी मत, वो रणवीर दोबारा तुम्हारी और वीर की जिंदगी में नहीं आएगा। डॉक्टर ने दवाई दी है ना, दवाई खा के ठीक हो जाएगा। वो रणवीर नहीं आएगा तो मरेगा नहीं। आप अपने बेटे के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते? भगवान जी, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ। चंदारे चंदारे वीर, क्या आप मुझे अपनी फैमिली में एक्सेप्ट करोगे? फर्क है रवि जी और रणवीर जी में। एक अपने ही बेटे, अपने ही खून के लिए ऐसे शब्द बोलते हैं, और दूसरे का वीर के साथ खून का रिश्ता भी नहीं है, फिर भी उसके लिए जान देने को भी तैयार रहते हैं। मैं तो कहती हूँ ईश्वर की बड़ी कृपा है जो उसने रात को अनहोनी होने से टाल दी। एक तो बेचारे ने वैसे ही इतना कुछ सहा है, और अगर मैं तो मर ही जाती। मासा, हमें हर वक्त रणवीर का ध्यान रखना होगा जब तक कोई सदमे से बाहर नहीं आ जाता। जी ताऊ जी, अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम दोनों भाई रणवीर के साथ साथ हमेशा रहेंगे, उसको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मासा, रणवीर। अरे रणवीर छोरे, आ गया तू? आज आप सबके साथ बैठ के नाश्ता कर, तेरे फेवरेट आलू के पराठे बनाए हमने। दादी, मैं आपसे, आप सबसे माफी मांगना चाहता हूं। कल जो मैंने हरकत करी उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आप सबको कैसे फेस करूं। इतना स्वार्थी कैसे हो सकता हूं मैं, जो मैंने अपने घर वालों के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। एक बार नहीं सोचा कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे घर वालों का क्या होगा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे तो भगवान से शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली जो मुझे इतना प्यार करती। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं वादा करता हूं कि आज के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं करूं। दादी, मैं तो आपका फेवरेट पोता हूं। प्लीज माफ कर दो। अरे मुझसे नहीं, प्लीज। तुझे तुझे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, न मुझसे या किसी और से। तेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मुझे लगता है कि आप तुझसे नाराज हैं। नहीं बच्चे नहीं, हम में से कोई भी तुझसे नाराज या तुझसे हमें कोई शिकायत नहीं है बेटा, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं। हमें तुझसे कोई शिकायत, कोई नाराजगी नहीं है। और खबरदार दोबारा कभी रोया तो सब अच्छा हो जाएगा विरोध, सब अच्छा हो। हम जानते हैं ये बहुत मुश्किल है, लेकिन जीना तो पड़ता है, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। अरे छोरे संभाल अपने आप को, तू तो इस घर की जान है छोरे। मुस्कुराता है तो पूरा घर मुस्कुराता है, और तू रोता है तो हम सब रो पड़ते हैं छोरे। नहीं चाची, नाउ आई एम बैक। इस घर में अब सिर्फ खुशी होगी, रोना धोना बिल्कुल बंद। हाँ बेटा। That's like my boy. I'm so proud of you. अंतरा भाभी, मुझे बहुत भूख लगी, प्लीज कुछ खिला दो। जी। हाँ बेटा, चल। और सबका मुंह मीठा हलवे से कराओ, हलवे से। भाई अब तो मैं भी खाऊंगी। बुआ जी क्या हुआ, आप एकदम परेशान लग रहे हैं हमको। है कोई बात? बात? अरे वही तो बात पूछ रहे हैं हम आपसे। क्या बात है? वो कहा है ना बुआ जी, हमको आपको ना ऐसे देखने में मतलब परेशानी हो रही थी, तो वो कहा है ना बुआ जी आप हमको हमेशा हंसाती हैं, हंसाइए ना बुआ जी, थोड़ा हंसाइए। जोकर हूँ। जोकर? बुआ जी आप ये काम भी करती है क्या? अरे घोचू भाग यहाँ से, नहीं तो मैं पागल हो जाए। केले खाने के बाद छिलका आराम से फेंकियो, फिसल के ना गिर जाइयो। हाँ हाँ बुआ जी। गुड मॉर्निंग मासा। रवि, मॉर्निंग में कुछ भी गुड ना है। क्या हुआ मासा, सब ठीक तो है ना? हमारे को तो रात भर नींद ना आई जे सोच के, क्या पता नहीं मैं संजू और लाडो से कब मिलूंगी। मतलब? उनके ससुराल वालों ने उन्हें इसी शर्त पे घर रखा हुआ है कि वो मायके वालों से कोई संबंध ना रखेंगे। सब थारी वजह से हुआ है, थारी वजह से, थारी वजह से। सब मेरी वजह से? मतलब अगर तुम्हारे को बता देता कि तू जिंदा है तो मैं कभी रणबीर की शादी सुमन से ना होने देती। छोरी, जिंदा रह के भी तूने मरने का नाटक क्यों किया, बता मारे को। साहब मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले मुझे ये बताइए कि संजू और लाडो को हमसे मिलने से कैसे रोक सकते? वो ऐसा नहीं कर सकते। रवि पहले मारे सवाल का जवाब दे, तू कहाँ था इतने दिनों तक? उस सबसे क्या फर्क पड़ता है, मैं जिंदा हूं, आपके सामने हूं। तुम्हारे सवाल का जवाब दे छोरे, कहां था तू इतने दिनों तक? मां साहब मैं आपको बाद में सब कुछ बता दूं। बाद में नहीं, अभी जानना है मारे को। मां साहब सही वक्त आने पर मैं आपको सब कुछ बता दूं। रवि तुम्हारे को अभी इसी वक्त सच बता, वरना मैं थारे से कभी बात ना करूंगी। ठीक है मां, आप सब कुछ सच जानना चाहती हैं? मैं आपको सब सच बताता हूं। मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगा मासा, लेकिन बस एक वादा कीजिए कि आप, मैं जो कुछ भी कहूंगा वो किसी से मत कहिएगा। रवि, ऐसा क्या किया तूने? पता हमारे को? मैंने करोड़ों का घोटाला किया है मासा।